अभी मैं मौजूद हूँ अंतालिया के बस स्टॉप पे, जहाँ से अंतालिया के लिए बस जाती है। तो मैं यहाँ आया हूँ सुल्तान अहमद से मैंने ट्राम ली है। वहाँ से सुल्तान अहमद से गया हूँ मैं यूसुफ पाशा, एक स्टॉप है। उसके बाद यूसुफ पाशा से मेट्रो ली है मैंने। मेट्रो से मैं आया हूँ ओटागढ़, ये स्टॉप का नाम है ओटागढ़। और ओटागढ़ के सामने जो है ये बहुत सारी जो है वो बस कंपनीज़ हैं जो कि ये बस सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं अंतालिया जाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बहुत सारी बस कंपनीज़ हैं। यहाँ से मैंने एक जगह से टिकट परचेज़ किया है अंतालिया जाने के लिए, और ये इन्होंने मुझे 110 लीरा में ये टिकट दी। और ये तकरीबन 11 घंटे का सफ़र है। यहाँ के 8:30 बजे बस रवाना होगी और सुबह 7 बजे हम अंतालिया में होंगे। सेंटर आ गया है और मुझे अपना हॉस्टल नहीं मिल रहा। ये सिटी सेंटर की गलियां हैं, रोड्स हैं, जहां मैं भटक रहा हूं पिछले कोई 30 मिनट से। अब किसी को एड्रेस नहीं पता। मौसम बहुत शानदार है, अभी तक भटक रहा हूं, न जाने कब मिलेगा मुझे मेरा हॉस्टल। सिम कार्ड ना होने के ये नुकसान होते हैं कि आपको थोड़ा सा भटकना पड़ता है, और फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसे बच जाते हैं। मगर मैं समझ रहा हूँ कि भटकने से बेहतर सिम कार्ड लिया जाए। मगर सिम कार्ड भी तो महंगा है, यहाँ पे 180 लीरा तकरीबन 4,500 रुपये पाकिस्तानी। साहब मिले हैं, वो अपने मोबाइल से मैप से चेक कर रहे हैं, गूगल आंटी से पूछ रहे हैं। देखो आंटी क्या बताती है, गूगल आंटी कभी कभार गलत भी बता देती है। गूगल आंटी ने बता दिया है दिस वे, आपको मुझे नहीं पता, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। तो चल रहे हैं अभी। सामने समंदर का नज़ारा नज़र आ रहा है। ज़्यादातर हॉस्टल्स वगैरह मेन अट्रैक्शन जो होती है वहाँ पर ही होते हैं, और अगोडा ने रेटिंग अच्छी ली हुई थी तो अच्छी जगह पे होने चाहिए हॉस्टल।